बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मेराज के वक़्त कौन सा तोहफा मिला? सही जवाब है नमाज़े पंजगाना का। इस्लाम में एक लुक्मा हराम खाने की क्या सज़ा है? सही जवाब है एक लुक्मा हराम खाने से 40 दिन की नमाजें और दुआएं कबूल नहीं होती। किस वाहद खातून का नाम कुराने पाक में आया है? सही जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? सही जवाब है हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। सूरह फातिहा कुरान में सबसे पहले क्यों रखी गई? सही जवाब है क्योंकि इंसान के मुंह से निकलने वाला सबसे पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह था। किन नमाजों की जमात तो होती है लेकिन अजान नहीं होती? सही जवाब है नमाज़े ईदैन और नमाज़े जनाजा। नमाज एक फर्ज है, बताएं नमाज का फर्ज क्या है? सही जवाब है वुजू। किन लोगों का कब्र में हिसाब नहीं लिया जाएगा? सही जवाब है नबियों, सिद्दीकैन, ताउन में मरने वाले, माह रमजान में मरने वाले, शहीद, जहाद की तैयारी करने वाले और छोटे बच्चों का। वो कौन सा बादशाह था जिसे अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया? सही जवाब है वो कौमे जिन्नात का बादशाह था जिसका नाम शुमान था। दो लोगों के दरमियान सुलह करवाने की क्या फजीलत है? सही जवाब है ऐसे आदमी के नामाए आमाल में दो हज और दो उम्रों का सवाब लिख दिया जाता है। किस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना हराम है? सही जवाब है हराम काम करने के बाद। कौन सी चीज खाने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं?
सही जवाब है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हलाल खाने का पहला लुकमा खाने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं।